फील्ड में एक अच्छा काम कर रहे हैं। आप आज देख के आ रहे हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा यूथ को आगे लेके चलते हैं। आप देख रहे हैं कि यूथ हमारे देश के अंदर अगर हम लोग औसतन आयु की बात करें तो 54% यूथ है जो हमारे देश के अंदर है, और अगर हम 54% है तो वी आर ए यंग कंट्री, यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जो यंग देश जहां यंग जितना यूथ होता है उतनी ज्यादा ताकत होती है, और आज प्रधानमंत्री जी को आप देख रहे हो वो भी अपने जब काम करते तो एक यूथ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और यूथ को लेके चलते हैं हमेशा प्रधानमंत्री जी बात करते हैं एक नए भारत की, कि हम लोग एक नए भारत की संरचना करने जा रहे हैं, नए भारत का उदय करने जा रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो नए भारत का उदय कैसे पॉसिबल है, नए भारत का उदय कैसे संभव है? नए भारत का उदय तब तक संभव नहीं है मित्रों, तब तक इस यूथ का, जब तक इस यूथ का विचार जो विकास है सर्वांगीण विकास जिस दिन से नहीं हो जाएगा तब तक इस नए भारत की संरचना संभव नहीं हो सकती। तब तक आपका और हमारा विकास, आपका यूथ का विकास, आजकल बेटियों का बच्चा जो विकास है, लड़कों का जो यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हर क्षेत्र में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करें, तब तक आप सबका विकास नहीं होगा, सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तब तक हम नए भारत की संरचना नहीं कर सकते। उसके लिए मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, और अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों आज यह दीवार पट्टों की तरह हिलने लगी है, दोस्तों आज यह दीवार पट्टों की तरह हिलने लगी है, पर मेरा मकसद है किसी भी हालत में ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर, हर सड़क, हर गली, हर राज्य में हर हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है किसी भी हालत में इन युवा की सूरत बदलनी चाहिए, किसी भी हालत में इन युवा की सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जल्दी चाहिए।